चलिए, तो सबसे पहले आपको पता है कि टाइम स्पीड डिस्टेंस में एक छोटा सा फॉर्मूला ही पूरे पूरे टाइम स्पीड डिस्टेंस को क्लियर अप करके रखता है, और वो फॉर्मूला मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो वो फॉर्मूला हमारा स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे ये फॉर्मूला है, और इसी के माध्यम से हमें क्या करना है, पूरा का पूरा टाइम स्पीड डिस्टेंस का हमें सार मिलेगा। अब अगर हम बात करते हैं तो कोई प्लेन 5 घंटे में 1800 किलोमीटर उड़ रहा है, तो दूरी स्पीड कितनी होगी, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस हमारा कितने में है, तो बोलोगे सर डिस्टेंस हमारा 1800 किलोमीटर है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर समय की बात करो, तो समय हमारा कितना है, घंटे में, यानी 5 घंटे हैं, तो ये किलोमीटर है और ये आवर है, यानी किलोमीटर पर आवर में है। उसके बाद हमें किस में कन्वर्ट करना है, तो मीटर पर सेकंड में है। तो मेरे भाई कन्वर्जन आपको ध्यान रखना है, ठीक है, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में, तो वो देखिए, किलोमीटर पर आवर एक बड़ा यूनिट है और मीटर पर सेकंड मेरे भाई एक छोटा यूनिट है। जब हम बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाते हैं, तो हम यहाँ पर जो है, बड़ा से आप छोटा में जा रहे हो तो छोटी संख्या ऊपर, यानी 5 ऊपर और 18 नीचे होगा, और छोटे से बड़े में जा रहे हो तो मेरे भाई बड़ी संख्या ऊपर और 5 संख्या जो है हमारा नीचे होगा। यानी जो गंतव्य स्थान है वो देखिए कि वो क्या है, यहाँ पर मीटर में जाना है छोटा है, इसलिए छोटा वाला ऊपर बड़ा वाला नीचे, और यहाँ किलोमीटर में जाना है यानी बड़ा है, तो 18 बड़ा होगा और 5 नीचे। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन में रहता है कि यार कैसे कन्वर्जन होगा कैसे नहीं, तो मुझे लग रहा है कि मैं आज उनके कन्फ्यूजन को क्लियर कर सका हूँ, ठीक है। आइए, तो ये हमारा किलोमीटर पर आवर में है, और किलोमीटर से मीटर में जाना है, किलोमीटर से मीटर में जाना है, तो 5/18 से इसे गुना करेंगे, तो यहाँ पर अगर आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 के साथ, आपका 5 से 5 खत्म, 18 से 18 खत्म, तो 100 मीटर पर सेकेंड जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, ठीक है। वीडियो अच्छे लगे तो मेरे भाई फटाफट हर जगह पे लाइक और शेयर करना शुरू करिए, अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, ताकि वो भी अपने गणित के लेवल को बढ़िया कर पाएँ और कुछ अच्छा सीख पाएँ, ठीक है। आइए चलिए, दूसरा सवाल हमारा देखिए, दूसरा सवाल हमारा क्या कहता है, 2 कारें ए तथा बी एक शहर से दूसरे शहर की ओर क्रमशः 72 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना आरंभ करती हैं। यदि कार बी को कार ए की तुलना में 1 घंटा कम समय लगता है, तो दोनों शहरों के बीच की दूरी क्या होगी। जैसे जैसे आप टाइम स्पीड डिस्टेंस में आगे बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपको यहाँ पर अलग अलग टाइप्स, अलग अलग वैरायटीज आपको सीखने को मिलेगी, ठीक है। जैसे हमारा फॉर्मूला यहाँ पर ये होता है, समझिएगा इस बात को लेके, और हम फॉर्मूले में पढ़ते हैं कि स्पीड बराबर होता है हमारे किसके, डिस्टेंस अपॉन टाइम के। तो यहाँ से मेरे भाई 2 कंसेप्ट निकल कर आते हैं, और ये दोनों कंसेप्ट मेरे भाई क्या है, तो सबसे पहले ये जो स्पीड है ना, ये डिस्टेंस और टाइम दोनों के ऊपर प्रोपोर्शनल है, ठीक है। यहाँ पर तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए कि अगर हम केस नंबर 1 की बात करें, जहाँ पर हमारा जो दूरी है वो हमारा क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, डिस्टेंस हमारा क्या हो जाए मेरे भाई, कांस्टेंट हो जाए, तो उस केस में क्या होता है, स्पीड दूरी को गायब कर दो, तो हमारा स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। यानी जो रेशियो आपके स्पीड का होता है, आप उसी को उल्टा कर दीजिए, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, टाइम का हो जाएगा। अगर 2 लोग हैं, उनके स्पीड का अनुपात 2 और 3 है, तो समय का अनुपात 3 और 2 हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। और ये कब होता है, डिस्टेंस कांस्टेंट होता है। अब बोलोगे सर ये तो बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन कन्फ्यूजन हमेशा बना रहा, तो उसको हम थोड़ा क्लियर करते हैं। जैसे आप ऐसे मान लो कि ये आपका, मान लीजिए यहाँ पर हमारा मुन्ना है, ठीक है, और ये मुन्ना का यहाँ पर जो है, मुन्नी का हमारा यहाँ पे, ये हमारा मुन्ना है मेरे भाई, या हमारा मान लीजिए कि ये हमारा हिमांशु है, ठीक है, या मुन्ना ही मान लीजिए चलिए, और ये हमारा मुन्ना है और ये उसकी मुन्नी का घर है। समझ में आ गया बात यहाँ पे, ठीक है। एक बात ऐसा होता है कि दोनों को बड़ा मिलने का मन करता है, और बिना एक दूसरे को सरप्राइज, मतलब एक दूसरे को इनको सरप्राइज देना है, तो ये भाई मुन्नी के घर की तरफ चलता है कितने की रफ्तार से, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ठीक है। और दूरी हमारी कितने की है, तो दूरी मान लीजिए 20 किलोमीटर की है, ठीक है। मुन्नी हमारी मुन्ने के घर जाती है कितने की रफ्तार से, तो बोलेंगे सर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, मुन्ना से ज़्यादा तेज़ी मुन्नी भाग रही है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, तो कहानी देखिएगा ज़रा, अगर हम स्पीड की बात करते हैं, तो ये भाई का स्पीड देखो कितना है, 10 है, और इनका स्पीड कितना है, तो 20 है। तो आप बोलेंगे सर स्पीड का रेशियो हमारा कितना है, तो 1:2 है। अब हम टाइम की बात करते हैं, आप मुझे बताइए यहाँ दूरी कितनी है, 20 किलोमीटर, और ये भाई 10 के रफ्तार से जा रहा है, तो टाइम कितना लगेगा, 20/10, यानी कितना मेरे भाई, तो 2 घंटे। और यहाँ दूरी कितनी है, 20 है, और ये जा रही है मोहतरमा 20 के रफ्तार से, तो इन्हें कितना समय लग,
1 घंटे। तो क्या आप यहाँ पर देख पाए कि आपका स्पीड का रेशियो अगर 1 और 2 का है तो आपका टाइम का रेशियो उल्टा हो गया, 2 और रेशियो 1 हो गया। यानी यहाँ पर क्या बोलेंगे कि जब भी दूरी तय होती है, किसी फिक्स डिस्टेंस के बारे में बात करना होता है, एक शहर से दूसरे शहर के बारे में बात करनी होती है, तो वहाँ पर हम क्या बोलते हैं, स्पीड उल्टा हो जाता है किसके, टाइम के। धीरे धीरे ये कंसेप्ट आपकी गहराइयों में जब आप जाते चले जाएंगे ना, तो एक से बढ़कर एक सवाल मेरे भाई आप लगा पाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर केस नंबर 2, और केस नंबर 2 हमारा क्या होता है, यदि हमारा टाइम कांस्टेंट हो जाए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कि मैं और आप दोनों 2 घंटे भागते हैं, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, जिसकी रफ्तार ज़्यादा होगी वो ज़्यादा दूर भागेगा, और जिसकी रफ्तार कम होगी वो कम दूर भागेगा। मैं और आप दोनों एक ही जगह से रेस लगाते हैं और 1 घंटे के बाद देखा जाएगा कौन कहाँ मिलेगा। अब वैसी स्थिति में क्या होगा कि दो लोगों ने एक ही जगह से शुरुआत की, ए भी हमारा यहीं पर था, बी भी हमारा यहीं पर था, इसकी रफ्तार ज़्यादा थी तो 2 घंटे में यहाँ भाग सकता है, इसकी रफ्तार कम थी तो 2 घंटे में मात्र इतना ही भाग सकता है। क्यों? क्योंकि जब टाइम कांस्टेंट हो जाता है ना, तो स्पीड हमारा प्रोपोर्शनल हो जाता है मेरे भाई किसके, यहाँ पर तो स्पीड प्रोपोर्शनल हो जाता है डिस्टेंस के। यानी जो अनुपात हमारा स्पीड का होता है, अगर स्पीड मान लीजिए किसी का 2 गुना है ना, तो वो हमारा डिस्टेंस भी क्या तय करेगा, तो 2 गुना दूरी तय करेगा। इस बात का मेरे भाई यहाँ पर ध्यान रखना है, जिसकी जितनी ज़्यादा स्पीड होगी वो उतना ज़्यादा डिस्टेंस तय करेगा, ठीक है, उतनी तेज़ी में भागेगा, उतना आगे भागेगा। तो ये हमारे 2 प्यारे प्यारे कंसेप्ट होते हैं। अब इन्हीं कंसेप्ट के ऊपर आगे हम सवाल लगाने वाले हैं। तो जैसे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ो, अब थोड़ा अच्छे से पढ़ना। 2 कार A और B एक शहर से दूसरे शहर की ओर क्रमशः 72 और 90 की गति से चलना प्रारंभ करते हैं, और यदि कार बी को कार ए की तुलना में इतना समय लगता है तो दोनों के बीच की दूरी बताओ। मैंने यहाँ पर क्या कहा कि दूरी एक फिक्स है, यहाँ डिस्टेंस जो है वो फिक्स है, ठीक है। ये हमारा कार ए हो गया, कार बी हो गया, और फिक्स है इनके बीच की डिस्टेंस, ठीक है। दोनों को उतनी ही दूरी तय करनी है, अगर उतनी ही दूरी तय करनी है तो स्पीड का उल्टा क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ए और बी के बारे में, तो ए और बी का रफ्तार हमारा कितना है, तो ए हमारा 72 की रफ्तार से भागता है और बी हमारा 90 की रफ्तार से। अगर आप अनुपात देखेंगे तो 18:76, 18:95, 4 और 5 का अनुपात है। अगर स्पीड का अनुपात 4 और 5 का है तो टाइम का रेशियो हमारा 5 और 4 का हो जाएगा। यानी ये भाई को 5 यूनिट समय लगेगा तो ये भाई को 4 यूनिट समय लगेगा। अब इनके समय में क्या संबंध दिया गया, क्या रिलेशन दिया गया, ये बताओ। तो इनके समय में जो संबंध दिया गया वो ये दिया गया कि बी को 1 घंटा कम लगता है ए से। अगर हम यहाँ बात करें, ये हमारा बी है, तो इसको कितना लग रहा है, तो आप बोलोगे सर 1 यूनिट कम, और ये 1 यूनिट का मान हमारा कितना है, तो 1 यूनिट का मान हमारा 1 घंटा है। 1 यूनिट का मान हमारा कितना है, 1 घंटा है। अगर ये 1 यूनिट का मान हमारा 1 घंटा है तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 5 आवर हो जाएगा, और 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 4 आवर। हम किसी भी तरीके से स्पीड निकाल सकते हैं, सॉरी डिस्टेंस निकाल सकते हैं किसी भी तरीके से। इसमें टोटल 3 सवाल बनते हैं। पहला, यहाँ पर ए के द्वारा लिया गया समय, तो ए के द्वारा लिया गया समय 5 घंटा, बी के द्वारा लिया गया समय, बी के द्वारा लिया गया समय 4 घंटा। और तीसरा सवाल जो बनता है मेरे भाई, वो यहाँ पर ये बनता है कि डिस्टेंस हमारा कितना है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। इस भाई का स्पीड 72 था और समय 5 घंटे लगा, तो 72 × 5 कर लो, ठीक है। या फिर मेरे भाई इसका स्पीड कितना है, 90 है, और यहाँ समय कितना है, 4, तो 90 × 4 कर लो। कोई भी मेरे भाई करोगे, आंसर कितना आएगा, 360। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर B फॉर बाहुबली। कई बच्चे ऐसी गलती कर बैठते हैं कि यहाँ पर 4 × 5 लेके 20 बता देते हैं। मेरे भाई ऐसा नहीं है, ये तुम्हारा रेशियो है, स्पीड नहीं है, समझ रहे हो मेरी बात को लेकर। अगर तुम्हें डिस्टेंस निकालना है तो रेशियो से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, उसके वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, क्लियर है ये बात। चलिए आ जाइए नेक्स्ट, यहाँ पर बात करते हैं सर, न्यू बैच के बारे में डिटेल बता दीजिए, एंड में बता देंगे भाई पक्का, ठीक है, आ जाओ। चलो, बहुत बढ़िया तरीके से बच्चे वीडियो को लाइक कर रहे हैं, लाइक करते रहो और अपने तरफ से खुद से वोकैबुलरी बताते रहो, ए से, बी से, सी से, जब भी हम कोई ऑप्शन को टिक करते हैं, ठीक है, आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए क्या कहा है। ए टेक्स 10 मिनट मोर देन बी इन कवरिंग अ सर्टेन डिस्टेंस इफ स्पीड आर इन द रेशियो 3:4, देन वॉट इज द टाइम टेकन बाई बी टू कवर द सेम डिस्टेंस। वही हल्का फुल्का फिर से सेम सवाल उसी वैरायटी के ऊपर, ठीक है, कि यदि ए को निश्चित दूरी, यानी दूरी हमारी क्या हो गई, निश्चित हो गई, डिस्टेंस हमारा क्या हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया, तो निश्चित दूरी को तय करने में 20 से 10 मिनट अधिक लगते हैं, तो यदि उनकी गति का अनुपात 3:4 है, तो यहाँ पर जो है सामान्य दूरी को तय करने में बी को कितना समय लगेगा। यानी दूरी हमारी हमेशा क्या है मेरे भाई, तो समान है। अगर हम ए और बी के बारे में बात
करते हैं। तो मेरे भाई स्पीड का ज़रा देखना है, स्पीड की कहानी यहाँ पर क्या है। तो बोलोगे सर यदि उनके गति का अनुपात 3:4 है तो समय का अनुपात जो होगा वो हमारा कितना होगा, समय का अनुपात 4:3 मेरे भाई 3 होगा यहाँ पे। समय का अनुपात हमारा कितना होगा, 4:3। ए को 10 मिनट बी से ज़्यादा लगता है, ए को कितना ज़्यादा लगता है 10 मिनट, यहाँ कितना यूनिट ज़्यादा लग रहा है 1 यूनिट, यहीं 1 यूनिट का मान हमारा कितना है तो यहीं 1 यूनिट का मान हमारा 10 मिनट है, यहीं 1 यूनिट का मान मेरे भाई कितना है तो यहीं 1 यूनिट का मान हमारा 10 मिनट है। और अगर इस 1 यूनिट का मान हमारा 10 मिनट है तो क्वेश्चन में बोला गया टाइम टेकन बाई बी, 1 का मान 10 मिनट तो 3 का मान कितना हो जाएगा खुद बताओ। तो बोलोगे सर 3 का मान 10 गुना यानी 30 मिनट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आगे चलते चलते लेवल बढ़ाएंगे हम। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला सवाल को हम लोग देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अगला सवाल यहाँ पे, ए इज ट्वाइस एज फास्ट एज बी एंड बी इज थ्राइस एज फास्ट एज सी, द जर्नी कवर्ड बाई सी इन 1/2 hour विल बी कवर्ड बाई ए इन। बड़ा प्यारा सवाल कि ए बी से दोगुना तेज चलता है और बी जो है वो हमारा सी से 3 गुना तेज चलता है, यदि सी द्वारा 1.5 घंटे में तय की गई यात्रा को ए द्वारा कितने घंटे में तय किया जाएगा। फिर से हमारा ये रेशियो वाला क्वेश्चन, जहाँ पर भी दूरी बराबर होगा ना हमेशा याद रखना है स्पीड का उल्टा क्या होगा, स्पीड का उल्टा मेरे भाई टाइम होगा। यहाँ पर स्पीड का उल्टा हमारा क्या होगा, स्पीड का उल्टा हमारा टाइम होगा। ठीक है हर्ष मेरे भाई, वीओडी बहुत पहले अपडेट हो चुका है, इंक्वायरी नंबर पर तुम बात कर लो, अगर तुम पुराने वीओडी में हो तो तुमको नया में भी वो ट्रांसफ़र कर देंगे और नया में हो तो तुम्हें पुराने में भी कर देंगे मेरे भाई। ठीक है, तो तुम्हें पता नहीं इसी वजह से तुम्हें दिक्कत आ रही है, तुम इंक्वायरी नंबर पर बात कर लेना मेरे भाई, तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। कोई बच्चा ये कह ही नहीं सकता कि वीओडी हमारा अपडेटेड नहीं है, क्योंकि आपको भी ये बात अच्छे से पता है कि वीओडी बैच में हम आपको सभी टॉपिक जो है रिसेंट में दिए हुए हैं और जो टॉपिक्स बच गए हैं उनको हम लाइव करवा रहे हैं। बहुत बच्चों का ये भी कंसर्न है कि मुझे मेंसुरेशन पढ़ना है लेकिन वीओडी बैच में नहीं है, वैसी स्थिति में हम आपको बता देते हैं आप आराम से वीओडी बैच में एडमिशन ले लीजिए और आपका जो बैच है वो पुराने वीओडी में भी ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्योंकि हम एक साथ दो दो वीओडी में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। ठीक है, समझ रहे इस बात को लेके यहाँ पे, कि अगर कोई बच्चा है कि नहीं सर हम लाइव वाइव नहीं देखना चाहते हैं, हम आराम से हमको पूरा एक साथ दे दीजिए हम वहीं से पढ़ लेंगे, तो वीओडी बैच में एनरोलमेंट ले लो मेरे भाई और उसके बाद टीम को बताना वो आपका एडमिशन जो है वो पिछले वाले वीओडी में जो कि कंप्लीट हो रखा था, जो कि पूरा हो रखा था उसमें वो कन्वर्ट कर देगी। ठीक है, चलिए बहुत शानदार, आपकी समस्या का समाधान हर कुछ है मेरे पास, बस आप बोलिए कि आपको चाहिए क्या, वो वाली बात हो जाती है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 3 लोग हैं, हमारा ए हो गया, फिर उसके बाद हमारा बी हो गया और फिर उसके बाद मेरे भाई सी हो गया। स्पीड की अगर हम बात करते हैं तो स्पीड में सबसे पहला कहानी यहाँ पर क्या है, तो कहा गया है ए जो है वो बी से 2 गुना तेज चलता है, ए की रफ्तार और बी की रफ्तार में क्या है, तो अगर बी हमारा 1 है तो इसका ये 2 गुना मेरे भाई तेज चलता है। उसके बाद बी जो है वो सी से 3 गुना तेज चलता है, अगर बात करें बी हमारा सी से ये इसका 3 गुना चलता है, तो क्यों ना ऐसे कर लें यहाँ पर कि सी के साथ हम रिलेशन निकालें कि भैया सी तुम 1 हो तो तुम्हारा ये 3 गुना कितना है 3 है और ये इसका 2 गुना मेरे भाई कितना है तो 6 है, कुछ इस प्रकार से कि ए बी का 2 गुना भी हो जाएगा और बी सी से मेरे भाई 3 गुना भी तेज हो जाएगा। तो इस प्रकार हम क्या लिख लेंगे, तो इस प्रकार हम स्पीड लिख लेंगे और जैसा कि पता है कि हमें टाइम लिखना है। अब एक बात बताओ, टाइम लिखने के लिए क्या होता है, इसका उल्टा करना होता है। इसका उल्टा करने का मतलब यहाँ पर क्या है, इसका उल्टा करने का मतलब कई बार मैंने आप लोगों को कहा है कि कभी भी किसी रेशियो को अगर उल्टा करना है तो उसके पास जो है वो छोड़ के बाकी जो नहीं है उन्हें मल्टीप्लाई कर दो। अब जैसे ए के पास 6 है तो 6 को छोड़ दो और बाकी दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 × 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। बी के पास है वो छोड़ दो और जो नहीं है उन्हें मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 × 1 कितना हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। सी के पास है जो छोड़ दो, जो नहीं है वो मल्टीप्लाई कर दो, तो मेरे भाई कितना हो जाएगा तो 6 × 3 = 18 हो जाएगा। अगर हम टाइम की रेशियो की बात करते हैं, 1:2 मेरे भाई 6 हो जाएगा, ध्यान रखना इस बात को लेके। ठीक है, क्वेश्चन में हमारा क्या कहा गया है, तो क्वेश्चन में कहा गया अगर सी उसको 1.5 घंटे में तय करेगा तो ए उसको कितने देर में तय करेगा, आप मुझे बताओ यहाँ पर। यानी यहाँ पर सी को कहा गया कि देखो यहाँ पर ये 6 जो है ये हमारा कितना है तो 1.5 है। अब 6 को किससे भाग किया है कि 1.5 आ गया है, या ऐसे कह लो यहाँ पर कि इसी का तो ये 4 गुना है, इसी का तो मेरे भाई ये 4 गुना है। तो यहाँ पर देखिए आप ऐसे कह सकते हैं कि सर इसका 4 गुना है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि इसको 4 से भाग करने पर ये आया है
तो वन को भी मेरे भाई चार से भाग करना होगा, और वन को अगर हम चार से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर देखिए यहाँ पर समझिएगा इस बात को लेके यहाँ पे, ठीक है कि यहाँ पर सर इसको चार से भाग किए तो ये आया, इसको चार से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 1/4 आवर आ जाएगा। और ये 1/4 आवर को हम मिनट में कैसे बदलेंगे भाई? तो बोलिएगा सर इतना आसान तो हमने जीवन में नहीं सीखा था। मिनट में बदलने के लिए सीधा हिसाब किताब अगर हम करेंगे तो बोलेंगे सर 60 से गुना कर दीजिए, मिनट में बदल जाएगा। यानी यहाँ पर घंटे का एक चौथाई, घंटे का एक चौथाई कितना होता है तो 15 मिनट होता है, ठीक है। तो स्पीड का उल्टा हमने क्या कर लिया, तो स्पीड का उल्टा मेरे भाई हमने टाइम कर लिया है। धीरे धीरे लेवल बढ़ाते चलेंगे एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहले 2 का रेशियो सीखा, फिर 3 का सीखा, फिर आगे बढ़ते चलेंगे। आइए चलिए एक और मेरे भाई यहाँ पर जो है, ठीक है, एक और सवाल हमारे सामने है, वो देखिए। एक बस 50 किलोमीटर की दूरी को 1 घंटा 15 मिनट में तय करती है, जबकि उतनी ही दूरी को एक कार 45 मिनट में तय करती है। बस की गति से कार की गति का अनुपात हमारा क्या है? बड़ा प्यारा सवाल, दोबारा से पढ़ लीजिए। अ बस कवर 50 किलोमीटर डिस्टेंस इन 1 आवर 15 मिनट, वेयर एज द सेम डिस्टेंस, मतलब वहीं 50 किलोमीटर का 50 किलोमीटर ही एक कार तय करती है, और वो तय करती है मेरे भाई कितने में, तो 45 मिनट में, ठीक है। हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, तो स्पीड का रेशियो पूछा गया है। जब आपको पता है कि दूरी हमारी फिक्स होती है, और जब दूरी हमारी फिक्स होती है तो हम क्या बोलते हैं, स्पीड का उल्टा टाइम हो जाता है, या फिर टाइम का उल्टा मेरे भाई क्या हो जाता है, स्पीड हो जाता है। आज मेरे से उनके स्पीड का अनुपात पूछा गया है, तो मैं बैठ के यहाँ पर स्पीड नहीं निकालूंगा सच में यहाँ पे कि ये तुम्हारा 50 किलोमीटर है, इतना समय लगा, इसका स्पीड निकालो उसका, भाई मूर्खता वाला काम है। 50 किलोमीटर की तो मेरे भाई कोई ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे, आपको स्पीड का ही रेशियो चाहिए ना, टाइम का रेशियो निकाल के उल्टा कर दीजिए, बात खत्म यहाँ पे। अगर आप यहाँ टाइम के बारे में बात करेंगे तो टाइम ज़रा देखिए कौन कौन है। तो मान लीजिए 2 बसें हमारे, तो पहले वाले को कितना टाइम लगा, तो बोलेंगे सर पहले वाले को है ना यहाँ पे 1 घंटा 15 मिनट लगा, इसको मिनट में कन्वर्ट कर लो मेरे भाई, 1 घंटे में 60 मिनट होता है, और ये 15 60 और 15 हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 75 मिनट हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे सर 75 मिनट हो जाएंगे, ठीक है। और उतनी ही दूरी को कार द्वारा 45 मिनट में तय किया जाता है। तो ये मेरे भाई हमारा बस है और ये हमारा कार है, और यहाँ पर टाइम का रेशियो कितना है, तो बोलोगे सर 75 और 45, 15 से हमारा 5 बार में और 15 से हमारा 3 बार में, तो ये हमारा टाइम का रेशियो हो गया। और जब दूरी हमारी फिक्स होती है, दूरी हमारी तय होती है, तो समय का उल्टा हम क्या करते हैं, रफ्तार करते हैं, 5 3 का उल्टा हमारा 3 और क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इससे 50 किलोमीटर से इसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कि बस यहाँ पर इतना समय लेती है और उसके बाद कार हमारा जो है वो इतना समय लेती है, बस की गति से कार की गति का अनुपात ये हमारा निकल के आ जाएगा। सिर्फ यहाँ पर दिखावटी मुखौड़ा था 50 किलोमीटर, बाकी उसकी हमें आवश्यकता नहीं थी, दूर दूर तक हमें उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, कोई ज़रूरत नहीं थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एकदम रफ्तार ऐसे ही मेंटेन होना चाहिए, यहीं इसलिए रिविजन बैच है मेरे भाई, जहाँ पर सवाल मेरे जवाब आपके, ऐसा वाला माहौल होना चाहिए, ठीक है। हम अपने एंड से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, आप वीडियो को धनादन मेरे भाई लाइक शेयर करते रहिए, ठीक है, और उतना ही मज़ा आ रहा है जैसे जैसे बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और फटाफट दोस्तों 3000+ लाइव वॉचिंग कर दीजिए, ठीक है, ताकि हम आपके लिए और प्यारे प्यारे क्वेश्चंस करा पाएँ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करा पाएँ। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, देखिए क्या कहा गया है। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए एंड बी इज 3:5। If A takes 24 minutes more than B to cover a certain distance, then how much time will B take to cover the same distance? बहुआ सवाल। A और B के गति का अनुपात 3:5 है, और कहा गया कि A को निश्चित दूरी तय करने में B से 24 मिनट अधिक लगता है। ये नहीं बोला गया A को इतना मिनट लगता है, ये बोला गया कि A को दूरी तय करने में B से 24 मिनट अधिक लगते हैं, तो B को तय करने में कितना समय कम लगेगा, कम समय नहीं मतलब B को तय करने में कितना समय लगेगा। फिर वही बात, दूरी बराबर कर दी आपने, अब जब दूरी को आप बराबर करेंगे मेरे भाई, तो स्पीड का उल्टा हमेशा क्या होगा, टाइम होगा, पता है ना आपको ये बात, तो स्पीड का उल्टा हमारा क्या होने वाला है, टाइम। तो अगर हम यहाँ A और B के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ बोलेंगे गुरुदेव स्पीड देखिए आप, तो बोलेंगे सर स्पीड हमारा 3 और 5 का है। अगर स्पीड 3 और 5 का है, तो समय हमारा कितना हो जाएगा, समय हमारा 5 और 3 का हो जाएगा। आप यहाँ देखिए तो A को कितना अधिक समय लग रहा है, तो बोलेंगे सर 2 यूनिट।
कितना अधिक समय लग रहा है, तो 2 यूनिट। और सवाल में इसी 2 यूनिट का मान कितना दिया गया है, तो 2 यूनिट का मान 24 मिनट दिया गया है। तो मेरे भाई अगर 2 यूनिट का मान हमारा 24 मिनट है, तो 1 यूनिट का मान हमारा कितना हो जाएगा, 12 मिनट। 1 यूनिट का मान हमारा कितना हो जाएगा, 12 मिनट। अगर मुझसे यहाँ पर ए का पूछेगा कि ए को कितना समय लगा, तो मैं 5 यूनिट का मान बताऊँगा। और अगर मुझसे ये पूछता है बी को कितना समय लगा, तो मैं यहाँ 3 यूनिट का मान बताऊँगा। तो 1 यूनिट का मान 12 मिनट, तो 3 यूनिट का मान हमारा कितना हो जाएगा, 36 मिनट हो जाएगा मेरे भाई। करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए। चलिए, तो ध्यान रहेगा स्पीड का उल्टा टाइम कर लिया, डिफरेंस की वैल्यू दी गई थी, वहां से 1 यूनिट का मान निकाल दिया, और फिर 3 यूनिट का मान बताना था, तो मल्टीप्लाई हमने कर दिया है। ठीक है, चलिए आइए अगला सवाल मेरे भाई। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्यारा सा एक और सवाल है, वो देखिए। एक कार 24 मिनट में 18 किलोमीटर की दूरी को तय कर सकती है, बस की गति कार की गति से दोगुनी है, बस कितने मिनट में 135 किलोमीटर की दूरी को तय कर सकता है। बड़ा प्यारा सवाल, उसी के ऊपर थोड़ा सा अपर लेवल का क्वेश्चन, थोड़ा थोड़ा कर करके रफ्तार बॉल की आपकी भागती रहेगी, ताकि आप लोग बढ़िया तरीके से जो है प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, अखिलेश बिंद्रा कहते हैं सर इतना आसान पूछेगा एसएससी सीजल में। अखिलेश भाई, मैंने तुम्हें क्या कहा कि मैंने हर तरह के सवाल रखे हैं, आप थोड़ा पेशेंस तो रखो। ये देखो, ये सवाल ढंग के सवाल हैं आपके शीट में। आपको क्या लग रहा है मैं इतना ही कराने वाला हूँ आपको, और इसी लेवल का प्रैक्टिस कराऊंगा, और फिर बोलूंगा कि आप इंस्पेक्टर बन जाओगे। ये अभी यहाँ से सवाल शुरू होता है 14 नंबर के बाद से। अब यार 25 क्वेश्चन रखने हैं, तो मुझे उसको बांटना पड़ेगा ना, कि 25 क्वेश्चन में यहाँ पर 7 से 8 क्वेश्चन हमारे आसान हो गए, 7 से 8 क्वेश्चन हमारे मॉडरेट हो गए, और 7 से 8 क्वेश्चन हमारे टफ लेवल के हो गए। मुझे तो हर चीज़ का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है ना कि आएंगे खाली ऐसा पढ़ाएंगे जो हम ही को पता और किसी को नहीं पता है। ऐसा भी नहीं होगा एमटीएस और दरोगा लेवल का पढ़ाएं, ग्रुप डी का पढ़ाएं। ठीक है, तो मिक्स करके चलना पड़ेगा। अब आप इन क्वेश्चंस को देखो जरा, इन सवाल को बनाओगे समय लगेगा आपको, तरीके से समय लगेगा। आप यहाँ से लेवल देखते चलो क्वेश्चंस का, फिर उसके बाद आपको पता चलेगा। अब ये सब ढंग के सवाल हैं, अच्छे कंसेप्ट हैं आपके, लेकिन अभी आएगा ना, अब सीधा यहाँ जंप कर जाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा। अब सारे बच्चे आपके तरह होशियार थोड़ी हैं मेरे भाई, कुछ को तो ऐसे है कि धीरे धीरे रफ्तार बढ़ाइए सर, मज़ा आएगा, सीखने आए हैं बस, यहाँ पर ये वाली बात है। आप ये क्वेश्चंस को लेवल देखो, यहाँ बढ़िया क्वेश्चंस के लेवल हैं सारे के सारे। ठीक है, एक से एक ये वाला क्वेश्चन तो जल्दी आपसे बनेगा भी नहीं, मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए बनाना। क्वेश्चन नंबर 25 को अगर आप देखोगे, तो आप ज़रा पढ़ते पढ़ते ही आधा समय आपका निकल जाएगा कि 25 नंबर सवाल में बोला क्या है, 24 नंबर सवाल में हमारा बोला क्या है। ये ढंग के सवाल हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ तक आएंगे जनाब, ये भी हम ही करवाएंगे, और कोई थोड़ी करवाएगा। हम आए हैं, हमारी शीट में है, सब कुछ दिया गया है, तो हम ही करवाएंगे। कोई क्वेश्चन रह जाए तो उसके लिए भी हमने समाधान ढूंढा है, कि आपको जो हम प्रिंटेबल पीडीएफ देते हैं उसमें सॉल्यूशन भी खुद टाइप करवा के देते हैं। यूट्यूब पर कोई एक टीचर मुझे बता दीजिए जो यूट्यूब के सेशन में बच्चों को प्रिंटेबल पीडीएफ देता हो और साथ में उसके सॉल्यूशन देता हो। मैं देता हूँ, कॉस्ट लगता है, मेहनत लगती है, सब कुछ लगता है, लेकिन बस ये होता है कि आपका रिविजन बैच है, और इससे बड़ा मेरे लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, डेली जितने भी क्लासेस करवाइए, सभी क्लासेस के क्वेश्चंस को टाइप करवाया, उनके सॉल्यूशंस को टाइप करवाया, और आपको दिया था। वो मेरी पहले दिन के कमिटमेंट ही, और वो मैंने पूरा किया आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये 2 टेलीग्राम में हमारे यहीं पर अपलोड होते हैं, आप यहाँ से जो है ज्वाइन करके मेरे भाई पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। आज ये चलिए, अब थोड़ा पेशेंस रखो भाई, पढ़ने आए हो ना, तो चलो बढ़िया से पढ़ाई करते हैं। आ जाओ, थोड़ा थोड़ा बढ़ेंगे ना यार लेवल पे आगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या कहा गया है। तो अ कार कैन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 18 किलोमीटर इन 24 मिनट, द स्पीड ऑफ ए बस इज ट्वाइस दैट ऑफ ए कार। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ये कार हो गया हमारा और ये हमारा बस हो गया, स्पीड की बात सबसे पहले करते हैं। तो स्पीड का संबंध क्या कहा गया, स्पीड ऑफ बस इज ट्वाइस ऑफ कार, कार की जितनी भी रफ्तार है बस मेरे भाई उसका दोगुना है। तो अगर स्पीड का हमारा अनुपात ऐसा है, तो समय का अनुपात मेरे भाई क्या होगा, उल्टा यानी अनुपात 1 होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ सवाल को देखिए। एक कार 24 मिनट में 18 किलोमीटर की दूरी को तय कर सकती है, 24 मिनट में 18 किलोमीटर की दूरी को तय कर सकती है, बस की गति कार की गति का दोगुना है, तो बस कितने मिनट में 135 किलोमीटर की दूरी को तय करेगा। मेरा मानना हमेशा यहाँ पर यह है ना, कि आप सवालों के साथ थोड़ा सा जो है यहाँ पे छेड़छाड़ किया करो मेरे भाई,
ठीक है, हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि अगर आपका डिस्टेंस कांस्टेंट है ना, तभी मेरे भाई आप यहाँ पर जो है स्पीड का उल्टा टाइम कर पाओगे। अगर दूरी समान नहीं है तो आप ये काम नहीं कर सकते। अब हमें जो डेटा दिया गया था वो हमारा 18 किलोमीटर पे दिया गया था, और हमसे जो पूछा गया है वो हमारा कितने के ऊपर पूछा गया है, तो 135 किलोमीटर के ऊपर पूछा गया है। तो हम तरीके से बताएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, हम 18 किलोमीटर को ही अपने फ्रेम में लेकर चलते हैं और 18 किलोमीटर के हिसाब से ही चलेंगे मेरे भाई। हम ये बोलेंगे 18 किलोमीटर के हिसाब से अगर इसको 2 यूनिट समय लग रहा है तो इसको 1 यूनिट समय लग रहा है। इन्होंने कहा 18 किलोमीटर को तय करने में एक कार को 24 मिनट की दूरी तय, ठीक है, तो यहाँ पर कार को कितना लगता है 24 मिनट, तो 2 का मान हमारा कितना है, तो 2 का मान हमारा 24 मिनट है। अगर मेरे भाई 2 का मान हमारा 24 मिनट है तो 1 का मान कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ पर 1 का मान हो जाएगा 12 मिनट। अब ये मुझे बताइए कि हमने जो ये बात सारी की सारी कहानी की है ये किसके लिए की है हमने, तो 18 किलोमीटर के लिए की है कि अगर हम 18 किलोमीटर को फ्रेम में लेके चलते हैं और उस 18 किलोमीटर के लिए ही अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इसको अगर 2 यूनिट समय लगेगा तो इसको कितना लगेगा, 2 का मान 24 है तो 1 का मान 12, यानी 18 किलोमीटर को तय करने में बस को कितना मिनट लग रहा है 12 मिनट। हमारे सवाल में ये पूछा गया है कि इन हाउ मेनी मिनट कैन अ बस कवर अ डिस्टेंस ऑफ 135, 135 को तय करने में कितना लगेगा। तो हम यहाँ पर ऐसे भी बोलते हैं, हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि सर ये 12 मिनट हमें लगा है, ठीक है सर ये 12 मिनट हमें लगा है, लेकिन ये 12 मिनट में हमने कितने की दूरी तय की है, तो बोलोगे 18 किलोमीटर, और हमें कितने का तय करना है, तो 135 का तय करना है। अक्सर मैं ये बात बोलता हूँ, जिसकी वैल्यू दी है उससे भाग करिए और जो पता करना है उससे गुना करिए। 18 का मान दिया तो 18 से भाग किया, और 135 का मान पूछा है तो उससे गुना किया। 9 से अगर आप काटेंगे 2 बार में, 9 से आपका कटेगा मेरे भाई 15 बार में, 2 से आपका कटेगा 6 बार में, 15 × 6 कितना हो जाएगा 90। ऑप्शन नंबर बी फॉर मेरे भाई बाहुबली करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट, यहाँ पर बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। तो क्लियर हुई ये बात, यहाँ स्पीड का उल्टा टाइम हो गया, बस का समय निकाल लिया, और ये जो समय दिया गया है मेरे भाई 18 किलोमीटर का समय है, तो ये समय अगर 18 किलोमीटर का है तो यहाँ पर इतने किलोमीटर का समय हमारा कितना होगा वो हम कैलकुलेट कर पाए। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरे भाई यहाँ देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलते हुए कोई कार निश्चित दूरी को तय करने में 9 मिनट का समय लेती है, तो 8 मिनट तय करने के लिए उसे अपनी चाल को कितना बढ़ाना होगा। छोटू मगर पॉकेट रॉकेट क्वेश्चन वाली बात हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा गया मेरे भाई समझिएगा, अ कार ट्रैवलिंग एट एवरेज स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर टेक्स 9 मिनट टू ट्रैवल अ सर्टेन डिस्टेंस, बाय हाउ मच शुड ही इंक्रीज इट स्पीड टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 8 मिनट। उसी दूरी को 8 मिनट में तय करने के लिए उसको अपना रफ्तार कितना बढ़ाना होगा। तो कोई दिक्कत नहीं यार, तुम ऐसे देख लो कि सर उसका स्पीड ओल्ड स्पीड हमारा क्या था, तो ओल्ड स्पीड का मतलब अगर हम बात करते हैं, सोल्ड नहीं बोला, आप ऐसे समझ लीजिए कि ओल्ड स्पीड की बात की, पुरानी गति कितनी थी। ठीक है, तो पुरानी गति, अब यहाँ पर देखो मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ। अब यहाँ पर लोचा क्या है कि आपका स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में है, आपका जो टाइम है वो किस में है, मिनट में है। अब आपको लग रहा होगा यार ये कैसे होगा, क्या होगा, मतलब बड़ा लफड़ा सा पड़ जाएगा, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप ये समझो कि पहले जिस दूरी को आप 9 मिनट में तय करते थे, आज उस दूरी को 8 मिनट में तय करने की बात की जा रही है। ठीक है, तो यानी हमारा टाइम दिया है, टाइम का उल्टा कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, स्पीड का रेशियो मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि दूरी हमारी बराबर है। जब डिस्टेंस हमारा फिक्स होता है ना, स्पीड का उल्टा टाइम होता है मेरे भाई यहाँ पर। तो अगर हम बात करते हैं टाइम को लेकर, उसी दूरी को तय करने में पहले 9 मिनट लगते थे और अब उसी दूरी को तय करने में 8 मिनट लग रहा है। बहुत लोग यहाँ पर सोचते हैं मिनट मिनट है तो क्या, उससे क्या फर्क पड़ता है, कट जाएगा। बस ये यूनिट हमारा सेम होना चाहिए, मिनट से, घंटे से, सेकंड से कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों क्वांटिटी हमारी सेम होनी चाहिए, हमें बात इस बात से फर्क पड़ता है। टाइम का उल्टा अगर हम कर देंगे तो स्पीड हो जाएगा, 9 8 का उल्टा हम कर देंगे तो 8 और 9 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, पहले यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इसी 8 का मान हमारा दिया गया है। ठीक है, पहले वो व्यक्ति 8 की रफ्तार से जाता था, अब वो व्यक्ति 9 की रफ्तार से जा रहा है, उसने इंक्रीज कितना किया है 1 यूनिट। तो पहले का मान दिया है और बोला है 1 का मान बताओ, तो वही वाली बात है मेरे भाई, 8 का मान हमारा कितना दिया गया है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 8 का मान अगर 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 का मान कितना, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। उन लोगों ने अपनी रफ्तार को 1 यूनिट बढ़ाया है, यानी 9 किलोमीटर प्रति घंटे को बढ़ाया है।
मिनट मिनट से हमें कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब मेरे भाई यहाँ पर नहीं है, ठीक है। चलिए, बहुत शानदार, बहुत अच्छी बात है। आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा प्यारा सा सवाल है। देखिए फटाफट मेरे भाई क्या बोला गया है। खराब मौसम के कारण किसी हवाई जहाज ने अपनी रफ्तार को 300 किलोमीटर प्रति घंटे से कम कर दी, 300 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी और 1200 किलोमीटर की दूरी अपने गंतव्य स्थान पर 2 घंटे देरी से पहुंचा। बताइए उसके उड़ान के पहुंचने के निर्धारित अवधि क्या है। यहाँ से हमारा थोड़ा टाइप बदल जाएगा, ठीक है। आप इंग्लिश में भी यहाँ पढ़ लीजिए, ड्यू टू इंक्लीमेंट वेदर, ठीक है, एन एरोप्लेन रिड्यूस्ड इट्स स्पीड बाई 300 किलोमीटर पर आवर एंड रीच द डेस्टिनेशन ऑफ 1200 किलोमीटर लेट बाई 2 आवर। द शेड्यूल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट वाज। अक्सर ऐसा होता है टाइम स्पीड डिस्टेंस में, एक हमारा वो वाला भाग है जहाँ पर अगर हमसे ये कह दिया जाए, जैसे मानो मैं ही हूँ, अगर मैं अपने नॉर्मल गति से जा रहा हूँ तो जैसे मान लो ऑफिस में मुझे पहुँचने में 3 घंटे लगते हैं, कल के दिन अगर मैं अपने स्पीड को कम कर दूंगा मुझे समय ज़्यादा लगेगा और स्पीड को बढ़ा दूंगा तो समय हमारा कम लगेगा। इसमें कहा गया कोई व्यक्ति अपने रफ्तार से जा रहा था, ठीक है, अगले दिन वह अपने रफ्तार में 300 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी करता है। 300 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी करने के कारण उसको 2 घंटे अधिक लगते हैं। हमेशा ऐसा रहेगा, स्पीड को कम करने के कारण समय हमारा इतना लग गया, स्पीड को कम करने के कारण समय हमारा इतना लग गया। बताओ दूरी कितनी थी, बताओ पुराना स्पीड कितना था, बताओ नया स्पीड कितना था, बताओ पहले कितना समय लेता था, बताओ अब कितना समय लेता है। अक्सर ऐसे सवाल हमारे सामने काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। मैं इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही प्यार में समराइज करता हूँ, आप नोट बनाकर अपने कॉपी में लिख सकते हैं कि जब भी स्पीड में बदलाव होने के कारण समय में हमारा बदलाव आ जाए, स्पीड को बढ़ाने या घटाने से समय हमारा घट जाए या बढ़ जाए, तो उस केस में एक फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला मेरे भाई आपको लिखना है। वो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, तो ये फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बराबर S1 इंटू S2। मेरे भाई क्या हो जाएगा, S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाई यहाँ पर S1 माइनस S2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, S1 माइनस S2 इंटू यहाँ डिफरेंस ऑफ टाइम यहाँ पे, ठीक है, इनटू हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ टाइम हो जाएगा। अब डिफरेंस ऑफ टाइम अगर दिया है तो डिफरेंस ऑफ टाइम ले लीजिए या फिर हाँ डिफरेंस ऑफ टाइम ही आप कह लीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा, ये आसान रहेगा आपके लिए। यहाँ नीचे स्पीड का डिफरेंस लिखना होता है और यहाँ पर आपको टाइम का डिफरेंस लिखना होता है और उसके बाद बड़े बेहतरीन तरीके से आप इस सवाल को बना पाएंगे। आगे आने वाले 4-5 सवाल आपके इसी कंसेप्ट पर है। 500 MTS में 76 है सर, तो मेरे भाई क्या करूँ बताना जरा, क्या कहना क्या चाहते हो, MTS 76 नंबर है क्या, MTS में 76 नंबर है क्या, ये कहना क्या चाह रहे हो मेरे भाई, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है तुम लोगों की बात। कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और आगे लोगों तक भी अपने शेयर जरूर करिएगा।